खुशी की बात है, हमारे गांव में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भाईदीप ने शुरुआत करी है। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे बच्चों ने विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सारी तकनीक, सारी एजुकेशन यहाँ पे होगी और उससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। हमारे बच्चे कामयाब होंगे, हमारा भविष्य उज्ज्वल। इलेक्शन जा लिया मैंने आज तक, मेरे ख्याल में कि मैं इसी बात का देखा ही को नहीं। मैंने इलेक्शन तो प्रेरित हो कही हो, मेरी जितनी बात मैंने इलेक्शन से पहले ही कही है आज को, वो हमारा भाईचारा खेतर है। हमारे संरक्षक, हमारे चाचे ताऊ सारे उ रहे हैं, इनका दौर है, मैंने रहना तो इसे गांव में है। अरकड़ियाँ कितना बड़ा बन लो, आना तो रानी सर पर है, तो उरे आप गलत बोल के जावा करेंगे। तो यह यूनिवर्सिटी जो बनाने लग रहे हैं, यह यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इसका एक के मोटिव है कि अगर बंदों को, अपने युवाओं को, भाइयों को रोज़गार मिलता है तो वो नशे से दूर रहेंगे और गांव की तरक्की होगी। तो मेरी नहीं है, तो सामाजिक कार्य है। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैंने उम्मीद है कि सारा गांव मेरा सहयोग। नमस्कार, मैं आपका सतीश इंद्र सिसाई। भाई फिलहाल कुछ दिन पहले की बात करा तो भाई आपने एक इंस्टीट्यूट की जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चालू हो रही सिसा गाँव में वो आपने देखी थी और फिलहाल उसी लोकेशन में मौजूद हैं। गाँव के पूर्व सरपंच साहब हैं, दीप सिसाई जी हैं, फिलहाल पहुँचे हैं और उसका शुभारंभ कर दिया है। जल्दी जो मैप वगैरह तैयार होने लग रहे और काम शुरू भी हो जाएगा, इस मौके पर बातचीत करवा देंगे। भाई नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी सरपंच साहब, बात करा सिसाए गाँव की, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पास में बनने लग रही है, ड्रोन बनने स्टार्ट होंगे, नए नए रोज़गार मिलेंगे, क्या कुछ कहोगे? बड़ी खुशी की बात है, हमारे गाँव में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भाईदीप ने शुरुआत करी है। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे बच्चों ने विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सारी तकनीक, सारी एजुकेशन यहाँ पे होगी और उससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। हमारे बच्चे कामयाब होंगे, हमारा भविष्य उज्ज्वल है। सरपंच साहब, जैसे बात करें एजुकेशन की, कहीं ना कहीं सिसाई का जो स्तर है एजुकेशन लेवल में तो बढ़ रहा है। रोज़गार की बात करें तो जो बेरोज़गार होने की वजह से तो बहुत सारे बच्चे हैं, युवा हैं, नशे की तरफ जाने लग रहे हैं, गाँव में देखने में मिलने लग रहे हैं। इसी कोशिश में भाईदीप ने एक मुहिम, ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर यहाँ छड़ी। जब हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ ध्यान होगा तो नशे से दूर होंगे और हमारे गांव के काफ़ी बच्चे इसमें फायदा उठाएंगे। जी नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई, भाई जमराज जी खुशी? एकदम फर्स्ट क्लास भाई। दीप भाई, जब पिछले वीडियो बनाई थी चर्चा गांव मचली थी, वह हाँ जगह है, लोकेशन है, लेकिन शुरुआत नहीं होगी बोला, इबे नहीं होगी बोला, इलेक्शन का काम है, ये दिखाने लग रहे, लेकिन आज फिलहाल शुरुआत कर दी। भाई इलेक्शन जा लिया मैंने आज तक, मेरे ख्याल में कि मैं इसी बात का देखा ही को नहीं। मैंने इलेक्शन तो प्रेरित हो कही हो, मेरी जितनी बात मैंने इलेक्शन से पहले ही कही है आज को, वो हमारा भाईचारा खेतर है। हमारे संरक्षक, हमारे चाचे ताऊ सारे उ रहे हैं, इनका दौर है, मैंने रहना तो इसे गांव में है। अरकड़ियाँ कितना बड़ा बन लो, आना तो रानी सर पर है, तो उरे आप गलत बोल के जावा करेंगे। तो यह यूनिवर्सिटी जो बनाने लग रहे हैं, यह यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इसका एक के मोटिव है कि अगर बंदों को, अपने युवाओं को, भाइयों को रोज़गार मिलता है तो वो नशे से दूर रहेंगे और गांव की तरक्की होगी। तो मेरी नहीं है, तो सामाजिक कार्य है। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैंने उम्मीद है कि सारा गांव मेरा सहयोग करेगा। तो भाई साहब, जैसे बात करें सिसा के आसपास के जो गांव हैं, विधानसभा के आसपास के जितने भी फील्ड के लोग हैं, जब ऐसी सभ्य तरीके से मतलब चीज़ें चल रही हैं, रोज़गार की तरफ कदम बढ़ाने लग रहे हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं रोज़गार दे भी की और बाहर जाके काम सीख के बाहर जाके अपना काम भी शुरू कर सके हैं। भाई सब रोज़गार वर्गी तो बातें को नहीं, तो अगर आज एक अपना गांव का युवा साथी, कोई अपने गांव का भाई, वो अगर एक छोटा सा काम भी करेगा, दो तीन लोगों तो साथ रोज़गार दे होगा, तो जितना उसके सब रोज़गार को यहां से हम प्रोत्साहित करेंगे। और सब रोज़गार के साथ साथ मैं दोबारा रिपीट करूं हूं कि कम से कम 100 से 150 हमारे गाँव के युवाओं को यहीं रोज़गार मिल जाएगा, क्योंकि उ प्रिंसिपल तो ले कर नीचे ध्यान रखने तक की सारी जरूरत से। तो अगर गांव के अंदर ही से कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, मैं तो सारे जोर भी भाई जो बैठ रहे हैं उन सब नया ये प्रार्थना करूँ, जिसका जितना भी होता हो गांव में उल्टे आके गांव में किमें करो, बैर कितने बड़े बन लो कि मैं फ़ायदा करूँ इसका। दी भाई जैसे बात कर रहा, आपने शुरुआत करी है भाई, आसपास में देखा विदेश समय खूब जा रहे हैं, पैसा भी खूब कमाने लग रहे हैं, व्यापारी भी हैं, तमाम जगह सेट हैं। अपनी जगह पर बात करा तो देखना मिला भाई, एक आधा ही उदाहरण बना, सिसा गांव की बात कर लें, अन्य की बात कर लें, जो बाहर तय गए अपने गांव की, अपने जगह की देख रेख करा और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, हमारा दादा बलबीर अमेरिका रहा है, उसने तो सबसे पहले दो बाड़क होया कर दे, या प्रेरणा उन्हें तो मिली है कि उन यू अमेरिका रहने थोड़ी गांव की तो जरूरत को नहीं, ना उन्हें चुनाव लड़ना ना कि मैं और इतना बढ़िया छोरियाँ का स्कूल उन्हें बनवाए गांव तो दिया था, ये वह प्रेरणा सेट कर दी कि भाई मतलब अगर कोई भी व्यक्ति गांव के लिए कुछ करेगा तो गांव वाले उसने अच्छा कौन बताऊँ तो बुरा तो कौन बताऊँगे। जैसे सर बात की जाए तो फिलहाल जो यूनिवर्सिटी का सामने जिक्र था वह एक रिसोर्स सेंटर बनेगा, उसकी शुरुआत नरेल फोड़ के आज कर दी, क्या कुछ करना चाहोगे?
देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक अच्छी शुरुआत जो कही थी, कसहरा ने मिलकर डिसीजन लिया था, दीपोर ने, कृष्ण भाई थे, आज उस चीज़ का शुभारंभ कर दिया है। कोई भी चीज़ बने उसमें टाइम लग गया करे, और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी नीम टेक दी है, ये भी इसके अंदर सारी चीज़ होगी, परमिशन लेके यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा, और एक अच्छा काम है। गांव गुवांड के हैं जो बच्चे हैं, वो अपने ट्रेनिंग लेंगे यहाँ, और जो ड्रोन का प्रोजेक्ट है, ड्रोन इंडस्ट्रीज का, अगर टेक्निकल ज़माना है, इन्हीं चीज़ें आवश्यकता पड़नी है खेती के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। बच्चे पढ़े लिखेंगे, कामयाब होंगे, हर चीज़ से दूर रहोगे, अच्छी चीज़ सीखेंगे, बाहर भी डिमांड होगी, सर्विस मिलेगी, अपना काम करेंगे, तो फायदा ही फायदा है। तो जी बात करा, लगभग ये मानना चाहो भी सिसाए गाँव है जो रोजगार का हब बनने वाला है। देखो जी, अब तो अपने आप बनेगा, कुछ यहाँ पर रोजगार मिलेंगे, उसके बाद में जो पढ़े लिखेंगे, आगे जमाना इसी का आना टेक्निकल का, तो इंडस्ट्रीज हैं विदेशों में, तो होलिया प्रोजेक्ट पूरा इंडिया में आने लग रही है कंपनी, आवेंगी तो जो यहाँ से अपने डिप्लोमा लेंगे, डिग्री लेंगे, बाहर जाके उनको प्रोजेक्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगी। नमस्कार जी, ठीक हो? नमस्कार भाई, ठीक बिल्कुल। बात की जाओ तो जिस बात का जिक्र हो रहा है, ड्रोन का, ड्रोन बनाने का, बच्चा दी बनाना सिखाने का, रोजगार का, कहीं ना कहीं भविष्य में देखा तो इन चीज़ों की आवश्यकता नज़र आ रही है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती जा रही हैं। देखो, ये सिसाई गांव के लिए इससे बड़ा सुनहरी अवसर नहीं मिलने को मिलेगा। भाई दीप भाई ने इतनी अच्छी शुरुआत करी है, खासकर भाई गांव के बच्चों को रोज़गार के लिए, भाई नशे से दूर युवा कैसे रह सकते हैं, रोज़गार मिले या टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी, जो लड़का जो भी बच्चा अपने हिसाब से जिस चीज़ में जिस भी लाइन में मेहनत करना चाहता है, सारी ऑप्शन यहाँ खुली रहेंगी, और गांव के लिए इससे सुनहरी अवसर और नहीं हो सकता जी। सिसाई गांव के अंदर मौजूद थे और तमाम आप देखने लग रहे होंगे, पूरी जो सिसाई की टीम है, पूरे सरपंच साहब हैं, मौके पहुँचे, और जो इंस्टीट्यूट की बात हो रही थी, रिसर्च सेंटर की बात हो रही थी, ड्रोन बनाने की जो फैक्ट्री का वहाँ, कंपनी का वहाँ, उसकी शुरुआत फिलहाल आज तक नारियल फोड़े कर दी, तस्वीरों में आप देखने लग रहे ऊपर स्क्रीन पर, और भविष्य में देखने वाली बात भाई क्या कुछ बदलाव होता है, और लगातार जिस बात का जिक्र होने लग रहा है रोजगार का, कि भाई रोजगार बेरोजगारी की वजह से युवा नशे की तरफ जाने लग रहे हैं, एक कदम है उसकी तरफ कि भाई रोजगार दिया जावे, नशे से जो गाँव के युवा हैं उनको बचाया जावे। बाकी भाई आपने पूरी बात से सुन ली, क्या कुछ लगा कॉमेंट करके बता दिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिए। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।